हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मीत। आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से आ चुका है। कोई अप्रेंटिसशिप नहीं है, परमानेंट आपकी ये जॉब रहने वाली है जिसमें सैलरी भी आपको बहुत बढ़िया पे की जा रही है, जो कि आपकी 26,600 से 90,000 पर मंथ आपकी सैलरी रहने वाली है। क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है सारा हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखना। अगर आप चाहते हैं इसी तरह से हर एक अपडेट आप तक टाइमली पहुंच जाए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइमली पहुंच जाए। बाकी इस रिक्रूटमेंट के अलावा काफ़ी सारे नए डिपार्टमेंट है जिनकी वैकेंसीज आ चुकी है। आप अपनी क्वालिफिकेशन सिटी या डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंगली हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.glory.com पर विजिट करके इन्फॉर्मेशन लेकर अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप देख भी पा रहे हैं। आप इसको डायरेक्टली गूगल पे भी टाइप कर सकते हैं, फर्स्ट नंबर पे आपको हमारी ऑफिशियल साइट मिल जाएगी। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए डायरेक्टली बात करेंगे ऑयल इंडिया लिमिटेड की आई हुई वैकेंसीज के बारे में। सबसे पहले वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, आपका एक लाइक मोटिवेट करता है आपके लिए नए नए अपडेट लेकर आने का। ऑयल इंडिया लिमिटेड की जो वैकेंसीज आई हुई है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल होने वाले हैं। सो इंडिया में किसी भी सिटी या स्टेट से आप बिलोंग करते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप मेल कैंडिडेट है चाहे फीमेल कैंडिडेट है, दोनों एलिजिबल हैं, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगर वैकेंसीज टाइप की हम बात करें तो ये आपकी परमानेंट जॉब रहने वाली है। अप्लाई करना इसके लिए स्टार्ट हो चुका है, बहुत सारे कैंडिडेट आप में से एलिजिबल होने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अप्लाई करना किस तरीके से है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको फर्स्ट लिंक सेम रिक्रूटमेंट का मिल जाएगा जो कि ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से आई हुई है, उस पर आप क्लिक करेंगे। लास्ट में आपको मिलेंगे रिक्वायर्ड लिंक। रिक्वायर्ड लिंक में आपको पहला लिंक नोटिफिकेशन पीडीएफ का मिलेगा, सेकंड आपको मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन का। अप्लाई ऑनलाइन वाले लिंक पर आपको जैसे ही क्लिक करना है एक नया इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा जहां पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। उसके बाद सिंपली आपको लॉगिन करना है, लॉगिन करके आपको अप्लाई करना है। एक नया इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा जहां पे आपको अपना नेम मेंशन करना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका क्या है, परमानेंट एड्रेस क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, कब आपने पास आउट की है, एज लिमिट क्या है एंड अदर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फिल करके आपको सबमिट कर देना है, जो कि आपका सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। नेक्स्ट बात आती है इंपॉर्टेंट डेट्स की। अप्लाई करना स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट की बात करें 24th September 2021 इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। जॉब लोकेशन की अगर हम बात करें अक्रॉस इंडिया इसके लिए आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया अप्लाई करना स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट बात आती है सैलरी की, इसमें अलग अलग वैकेंसीज वाइज आपकी सैलरी रहने वाली है। अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूँ 26,600 से 90,000 पर मंथ आपकी सैलरी रहने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज आउट की गई हैं, कौन सी वैकेंसीज के लिए एज लिमिट क्या रहने वाली है। सबसे पहले जो इसमें पोस्ट आउट की गई है इलेक्ट्रिशियन के लिए है। हर एक क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली वैकेंसीज आउट की गई है। 10th पास के लिए अलग है, 12th पास के लिए अलग है, 10th ITI के लिए अलग है, ग्रेजुएट डिप्लोमा वालों के लिए अलग वैकेंसीज है। फर्स्ट पोस्ट की हम बात करें जो कि इलेक्ट्रिशियन के लिए आउट हुई है, नंबर ऑफ वैकेंसीज इलेक्ट्रिशियन के लिए 38 आउट की गई हैं, जिसमें अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं आपकी एज 18 to 30 है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम 18 मैक्सिमम 30। इसके अलावा अगर आप OBC कैंडिडेट है तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। इसी के साथ SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है। नेक्स्ट पोस्ट की हम बात करें तो इसके लिए मैकेनिकल के लिए वैकेंसीज है 42 वैकेंसीज है, एज लिमिट भी सेम है जो मैंने आपको फर्स्ट पोस्ट की बताई हुई है। उसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट आउट की गई है 12th पास के लिए आउट की गई है, जिन्होंने 12th पास की हुई है किसी भी सब्जेक्ट के साथ वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट है फिटर के लिए आउट की गई है 144 वैकेंसीज है, सेम इसी तरह से इसके लिए भी एज लिमिट जनरल के लिए 18 to 30 तक अप्लाई कर सकते हैं। OBC के लिए मैक्सिमम 33 है, SC ST के लिए 35 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट इसमें आउट की गई है असिस्टेंट की है, नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 17 वैकेंसीज आउट की गई हैं, इसके लिए भी आपकी एज लिमिट सेम ही रहने वाली है। नेक्स्ट अगर हम पोस्ट की बात करें तो मैकेनिक डीजल के लिए 97 वैकेंसीज आउट की गई हैं, इसके लिए भी आपकी सेम एज लिमिट रहने वाली है हर एक कैटेगरी की जो मैंने आपको पहले बताई हुई है। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट की बात करें मशीनी स्टेट की वैकेंसीज आउट की गई हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 13 इसके लिए आउट की गई हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट है बॉयलर अटेंडेंट की है,
इसके लिए 8 वैकेंसीज आउट की गई है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड के लिए 40 वैकेंसीज आउट की गई है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 81 वैकेंसीज आउट हुई है। उसके बाद अगर जिन कैंडिडेट ने 12th फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर मैथ्स के साथ पास आउट की है उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उनके लिए वैकेंसीज भी आई हुई है। 44 वैकेंसीज अलग से इन्होंने आउट की हुई है। इसके अलावा नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो टर्नर के लिए 4 वैकेंसीज आउट की गई हैं। सर्वेयर की ट्रेड के लिए इन्होंने 5 वैकेंसीज आउट की गई है। ड्राफ्ट्समैन के लिए 8 वैकेंसीज आउट की गई हैं। वेल्डर के लिए 6 वैकेंसीज टोटल आउट की गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें आपकी एप्लीकेशन फ़ी क्या रहने वाली है। तो अगर आप जर्नल या OBC कैंडिडेट है आपको 200 एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है। अगर आप रिजर्व कैंडिडेट है SC ST या अदर्स इवन वीमेन कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी से है उनको भी कोई फ़ी पे नहीं करनी है। इसी के साथ जो रिजर्व कैंडिडेट के मेल फीमेल दोनों हैं उनके लिए भी कोई फ़ी नहीं है। फीमेल कैंडिडेट चाहे अनरिजर्वड है चाहे रिजर्वड है किसी को किसी टाइप की कोई फ़ी पे नहीं करनी है। डायरेक्ट आपको इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना है, अप्लाई करना स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट बात आती है सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो ये सारी जो वैकेंसीज आउट की गई हैं इसमें आपका रिटन एग्ज़ाम होने वाला है, उसी के बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होने वाली है। कोई इंटरव्यू आपकी इसमें नहीं होने वाली है, सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्ज़ाम के जो मार्क्स होंगे उसके अकॉर्डिंगली ही कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा और आपकी इसमें ज्वाइनिंग होने वाली है। उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। बाकी एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें कुछ वैकेंसीज 10th पास की है, कुछ वैकेंसीज 12th पास के लिए है, कुछ ऐसी वैकेंसी जैसे टर्नर वेल्डर इलेक्ट्रिशियन की ये 10th प्लस ITI वालों के लिए है, 12th पास की अलग है, ग्रेजुएशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं इन वैकेंसीज के लिए। और जैसे मैंने आपको बताया अप्लाई करना स्टार्ट हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, कोई भी अदर मोड अप्लाई करने का नहीं है जो उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है। अगर आप किसी अदर मोड से अप्लाई कर रहे हैं, सपोज दैट आप ईमेल आईडी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, ईमेल पर उनको सेंड कर रहे हैं अपनी डिटेल्स, या फिर आप ऑफलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी ये एप्लीकेशंस एक्सेप्टेबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, काफ़ी टाइम है आपके पास, हर कोई अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट बात आती है जॉब लोकेशन की। तो इसमें आपकी अक्रॉस इंडिया जॉब लोकेशन रहने वाली है। तो बहुत सारे कैंडिडेट आप में से एलिजिबल होने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में ऑयल इंडिया का पहला लिंक मैंने आपको दे दिया है, उस पर आपको क्लिक करके सारी इन्फॉर्मेशन लेकर फिर आपको इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर लेना है। इसके अलावा जो वैकेंसीज आई है हमारी ऑफिशियल साइट का अलग से लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दिया है, इन्फॉर्मेशन वहाँ पर भी आप ले सकते हैं अपने लोकेशन के अकॉर्डिंगली, अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली, और अप्लाई भी कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम आप चैनल पर आई हैं, इसी तरह से चाहते हैं हर एक अपडेट आप तक टाइमली पहुंच जाए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइमली पहुंच जाए। चलिए आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।